नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। लॉकडाउन के बीच में आज गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले ही आढ़ती एसोसिएशन ने हड़ताल जारी कर दी। रविवार को सुबह से लेकर के बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन बेनतीजा रही। आढ़तियों का कहना था कि नए नए नियम और कानूनों के बीच में गेहूं की खरीद करना मुश्किल है, ऐसे में जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी और हड़ताल भी जारी रहेगी। अनाज मंडी की अलग अलग जगह मार्केट कमेटियों में और कार्यालयों में हैवेड के अधिकारियों के साथ में आढ़ती एसोसिएशन की बैठक और मीटिंग जारी रही। आढ़तियों का कहना है कि खरीदारी पुराने पैटर्न से ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खरीद को लेकर के अभी किसी प्रकार की अपडेट नहीं आई है और तब तक बारदाना भी कैसे आएगा यह भी तय नहीं हो पाया है। तो वहीं अनाज मंडी में आढ़ती एसोसिएशन के कई आढ़तियों का कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी। उनका कहना है कि किसान 10 या 20 या 30 क्विंटल एक बार में कैसे मंडी में लेकर के आएगा, जबकि 80 क्विंटल तक ट्रालियों में आ जाती है। हालांकि दिन भर खरीद एजेंसियां तथा मार्केट बोर्ड के बीच में और उनके अधिकारियों की बैठकों में हड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कई जगह पर डीसी ने आढ़तियों की बैठक भी बुलाई। उन्होंने निर्देश की पालना करते हुए कहा कि गेहूं की खरीद करनी है तो सरकार के निर्देशों के अनुसार। हालांकि हरियाणा मार्केट बोर्ड के मुख्य प्रशासक डॉक्टर जेगनेशन ने बताया कि गेहूं खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसानों को खरीदे गए गेहूं का भुगतान भी संबंधित आढ़तियों को किया जाएगा, जिसके बाद आढ़ती किसानों को भुगतान करेंगे। यदि किसी किसान की फसल अभी नहीं कटी है और उसके पास मैसेज पहुंच गया है तो ऐसे में किसान अपनी फसल के कटने के बाद संबंधित आढ़ती को सूचित कर सकते हैं। इन किसानों की फसल पकते ही आढ़ती के जरिए सूचना मिलेगी। आढ़ती एसोसिएशन की हड़ताल के बावजूद में आदमपुर, डबोवली, उचाना, जींद और मंडियों में जहां आज आढ़तियों ने हड़ताल की, वहीं सिरसा सहित अनेक मंडियों में आढ़तियों ने बोली में सहयोग भी दिया। आप देख रहे हैं पल पल के ये विशेष रिपोर्ट। सभी आढ़ती भाई तंग होने के बावजूद ये स्ट्राइक की है आज। तो सभी आढ़ती भाई अपने अपने H1 और लाइसेंस इकट्ठे करके और अपनी दुकान की लॉक करके मार्केट कमेटी में दर देंगे। जैसे सरकार को चाहे वैसे कर ले, हम ना तो कणक तोल लेंगे, ना उतराएंगे, ना ही बेचेंगे। निश्चित काल हड़ताल रहेगी, सरकार जैसे करेगी अपनी मर्जी। मामला है, हर रोज़ नए नए फरमान जारी कर देती है। पहले हमारे अकाउंट के खुलवाने के लिए दबाव था, अब वो उसको हटा दिया। अब हमें कोई नहीं, कैसे आपकी कणक मंगाओगे, कैसे बेचोगे, अभी तक हमारा कोई शेड्यूल नहीं मिला है। और ना ही ये सही जो पोर्टल पे जिमीदारों का रजिस्टर्ड हुआ है, नहीं हुआ है। किले उसके 10 हैं और उसका रजिस्टर्ड 1 किला हुआ है। उसको सिर्फ मैसेज आएगा जिमीदार को भी, आप फसल ले आओ। वो ट्राली भर के ले आता है, 1-2 जैसे भी होगा, और आने के बाद उसकी गेट पे इंट्री होगी तो उसकी गेट पास कर देगा सिर्फ 20 क्विंटल का। बाकी गेहूँ कहाँ के लेके जाएगा? ना उसको आड़ती उतरा सकता है, ना उसको अंदर आने देंगे। तो उसमें दिक्कत ही दिक्कत है। इसमें आड़ती परेशान है, जिमीदार भी परेशान है। बोलो, ऐसे में कैसे पॉसिबल है भी हर दुकान पर 10-10, 20-20 क्विंटल माल आएगा? तो उसमें पॉसिबल नहीं है आड़ती के लिए तोलना। जैसे पुरानी पत्ती थी उस उधार पर ही हम काम करना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं। सभी आढ़ती भाई तंग होने के बावजूद ये स्ट्राइक की है आज। तो सभी आढ़ती भाई अपने अपने H1 और लाइसेंस इकट्ठे करके और अपनी दुकान की लॉक करके मार्केट कमेटी में दर देंगे। जैसे सरकार को चाहे वैसे कर ले, हम ना तो कणक तोल लेंगे, ना उतराएंगे, ना ही बेचेंगे। निश्चित काल हड़ताल रहेगी, सरकार जैसे करेगी अपनी मर्जी। मामला है, हर रोज़ नए नए फरमान जारी कर देती है। पहले हमारे अकाउंट के खुलवाने के लिए दबाव था, अब वो उसको हटा दिया। अब हमें कोई नहीं, कैसे आपकी कणक मंगाओगे, कैसे बेचोगे, अभी तक हमारा कोई शेड्यूल नहीं मिला है। और ना ही ये सही जो पोर्टल पे जिमीदारों का रजिस्टर्ड हुआ है, नहीं हुआ है। किले उसके 10 हैं और उसका रजिस्टर्ड 1 किला हुआ है। उसको सिर्फ मैसेज आएगा जिमीदार को भी, आप फसल ले आओ। वो ट्राली भर के ले आता है, 1-2 जैसे भी होगा, और आने के बाद उसकी गेट पे इंट्री होगी तो उसकी गेट पास कर देगा सिर्फ 20 क्विंटल का। बाकी गेहूँ कहाँ के लेके जाएगा? ना उसको आड़ती उतरा सकता है, ना उसको अंदर आने देंगे। तो उसमें दिक्कत ही दिक्कत है। इसमें आड़ती परेशान है, जिमीदार भी परेशान है। बोलो, ऐसे में कैसे पॉसिबल है भी हर दुकान पे 10-10, 20-20 क्विंटल माल आए।